आएगा। डेफिनेशन भी ऐसे ही और प्रूफ भी ऐसे ही विद डायग्राम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? सिंपल है, ठीक। नेक्स्ट करो, ट्राई करो। देखो अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, एक बॉडी जिसका मास 4 kg है एंड इसको 16 न्यूटन की फोर्स हम लगाते हैं, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जनरेट होगी। कितनी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितनी हुई 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, वो पूछ रहा है कि बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर होगी एट द एंड ऑफ कितने सेकेंड, 10 सेकेंड। तो एक काम करते हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से पहले v निकाल लेते हैं, तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि बॉडी किस पे थी इनिशियली, एट रेस्ट। एक्सेलेरेशन कितनी है 4 और टाइम कितना है 10, तो 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले v निकालना पड़ेगा और v के लिए पहले a निकालना पड़ेगा। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। मास हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है, इतने जूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए वी चाहिए और वी के लिए पहले ए चाहिए था, तो पहले ए आया फिर वी आया फिर आंसर आया। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करना, क्या क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन है अ टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 kg, मास गिवन है, फ्यूल ऑफ 0.02 kg, ये तो जल जाएगा फ्यूल थोड़ी देर में, विच इट बर्न्स इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में ये जल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू इज इक्वल टू 0, स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, हॉरिजॉन्टल पे रॉकेट जाएगा पहले, इट गेट्स अ स्पीड ऑफ 20, तो रेस्ट 0 से स्टार्ट होते हुए 20 की स्पीड एक्वायर कर लेता है जब फ्यूल पूरा बर्न हो जाता है। फ्यूल कितनी देर में बर्न होता है, 3 सेकेंड में, तो वेलोसिटी भी 20 कितनी देर में कर लेता है, 3 सेकेंड में। व्हाट इज थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, देखो जो थ्रस्ट होता है उसको फोर्स बोलते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो मुझे पता ही है रॉकेट का 0.1 kg है। अब एक्सेलरेशन के लिए v is u plus at, तो a is v minus u by t, तो v पता है मुझे 20, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना है 3, ये क्या आ गई आपके पास, थ्रस्ट आ गया, एक आंसर आ गया थ्रस्ट आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर वो कह रहा है कि इसमें फ्यूल कंटेंट बताओ कितना है, एनर्जी कंटेंट बताओ पर यूनिट मास, यानी कि एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास का मतलब कि एनर्जी पर यूनिट मास बताओ कितनी है। अब एनर्जी के लिए काम करते हैं, उसने 20 की वेलोसिटी एक्वायर कर ली, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन की उसने, हाफ एम वी स्क्वायर, सारा जब फ्यूल बर्न हो गया, जब वेलोसिटी 20 एक्वायर हो गई, फ्यूल तो बर्न हो गया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 जूल हाफ एम वी स्क्वायर से, ठीक। कितना फ्यूल बर्न किया ऐसा करने के लिए आपने, 0.02 kg, ये फ्यूल सारा खत्म हो गया। तो एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास का मतलब इतनी एनर्जी उसने उसने रॉकेट ने एक्वायर कर ली इतने मास को बर्न करके, तो पर केजी 1000 जूल की एनर्जी ली पर केजी, ये उसका एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास है, यानी कि एनर्जी अपॉन मास। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मास किसका, किससे डिवाइड करेंगे, फ्यूल के मास से, कौन जला,
रॉकेट का मास नहीं, रॉकेट नहीं चला, फ्यूल चला। और काइनेटिक एनर्जी में मास क्या पुट करते हैं? रॉकेट। काइनेटिक एनर्जी फ्यूल की नहीं, रॉकेट की। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी निकलेगी और डिवाइडेड बाय फ्यूल का मास। क्लियर है यहां तक? आप ये क्वेश्चन करना प्लीज, या रादर ये क्वेश्चन, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़े, मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूं, इस टेक्निक पे आप अगला क्वेश्चन करेंगे। टेक्निक ये है, बुलेट का मास गिवन है 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब 10 by 1000 kg, फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से वो हमने उसको फायर किया, आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल, ये मिट्टी की दीवार है, 1 meter थिक, 1 meter थिक है, एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 meter per second। तो मिट्टी की दीवार में से जब वो बुलेट निकलता है उसकी वेलोसिटी 800 से सिर्फ 100 बच जाती है। ठीक है यहां तक? आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल? तो अंदर स्पीड स्लो क्यों हो रही है? क्योंकि मिट्टी उसे अपोज कर रही है, रोक रही है, तो यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, और फ्रिक्शन का वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो वॉल ने काम किया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? जो फ्रिक्शन ने काम किया नेगेटिव, उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। बेसिकली तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं मैं, ठीक है यहां तक? अगर फ्रिक्शन काम ना करती तो फिर कोई एनर्जी में चेंज ना था। वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखते हैं, मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, एफ है, मिट्टी की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ है, और कितनी देर तक लगी? 1 meter तक, जब तक वो दीवार में एंटर करती गई, और आगे साइन क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि एंगल 180 होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव, इतना वर्क डन हुआ, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये टर्म नेगेटिव आएगी, क्योंकि छोटी में से बड़ी टर्म नेगेटिव कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, पर ये भी तो माइनस है ना, माइनस माइनस कट जाएगा। सॉल्व करके एफ निकालना है और मास आपको क्वेश्चन में गिवन है। मेथड समझ में आया? जब भी कोई वुडन प्लैंक में से, मिट्टी की दीवार में से बुलेट निकलेगा, तो एक ही रूल लगेगा कि मिट्टी की दीवार या जो प्लैंक है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा, तो माइनस एफ इन टू डिस्टेंस, और यही वर्क डन होगा जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आएगा, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। मास को पुट करके एफ की वैल्यू निकालनी है, और यही क्वेश्चन है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मड वॉल। क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? मेथड सबको समझ में आ रहा है पीछे? ठीक है यहां तक? सेम कॉन्सेप्ट को अगले क्वेश्चन में लगाना है। देखो कैसे लगाओगे,
जस्ट एबल का मतलब होता है कि वेलोसिटी जीरो. 100 मीटर पर सेकंड से एक बुलेट आता है और 4 सेंटीमीटर थिक यहां पर आके रुक जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो. डायग्राम क्लियर है? क्यों रुका? क्योंकि प्लैंक ने अंदर क्या लगाई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक, पहला केस क्लियर है. दूसरा, दूसरे केस में कह रहा है कि बताओ कितने वेलोसिटी से मैं एंटर करवाऊं बुलेट को ताकि वो 9 सेंटीमीटर प्लैंक के अंदर आके यहां पे आके रुक जाए. ठीक, वी मुझे निकालना है. मुझे ये बताओ कि ये इसलिए रुका क्योंकि इसने फ्रिक्शन लगाई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितने डिस्टेंस के लिए? 0.04. तो नेगेटिव वर्क डन होगा बिकॉज फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क डन करेगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी देर तक काम करेगा? 0.04 तक. और इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक कितनी? जीरो. इनिशियल कितनी? हाफ इंटू एम इंटू 100 का स्क्वायर. क्या इक्वेशन क्लियर है? ठीक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, फाइनल एनर्जी जीरो, इनिशियल निकाल ली, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. सेम इक्वेशन इसमें बनेगी, माइनस एफ इंटू 0.09 इज अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू इस बार वी का स्क्वायर. ठीक, तो क्योंकि इसमें भी काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है? जीरो. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लेना है. या एक काम करो, चलो ऐसे कर लो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड करते हैं. 1 इक्वेशन इज माइनस एफ इंटू 0.04 इज माइनस हाफ इंटू एम इंटू 100 का स्क्वायर. और ये कितना आएगा? माइनस एफ 0.09 माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर. माइनस माइनस एफ एफ माइनस माइनस हाफ हाफ एम एम कैंसल. वी आंसर निकाल लेना क्रॉस मल्टीप्लाई. डिवाइड करते टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसल. वी अननोन है, वी आ जाएगा. मेथड सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है? ऐसे कोई डाउट इसमें? ठीक, तो क्लियर है यहां तक? टेस्ट है आज.